बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहमान आ गए हैं। इधर तो देखो, इधर तो देखो, देख रही हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेहमान आ गए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सजना में नखी सड़े। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद। मसाद ने कहा नहीं है मुबारकबाद। मुबारकबाद वो तो देते रहते हो, कौन सी वाली? जब भी मिलते हो दे देते हो मुबारकबाद, मुबारकबाद कहते हो, वो वाली मुबारक हो। एडवांस में ईद मुबारक। अभी जो है माह रमजान आ रहा है, पूरे माह रमजान में पूरे रोजे रखने हैं। रोजे रखने के बाद जो है जो ईद आएगी वो ईद मुबारक होगी। अब तक कोई ईद मुबारक नहीं है, अब तक है भी रमजान आ रहा है, उसका जो हम इंतजार कर रहे हैं उसकी मुबारक हो। 11 महीने के बाद ये एक महीना आता है, 11 महीने के बाद एक महीना, ठीक है जी, जिसमें हाजी नमाजी ज्यादा जो है ना निकलते हैं, बाकी सालों में ना कोई नहीं हालात होते हैं। अल्लाह पाक हिदायत दे, अल्लाह पाक सलामत रखे। और नवीद साहब इनका ऑपरेशन जो है साजर कमज़ोर हुआ पड़ा है, ऑपरेशन जो है बेचारे को बड़ा। एक बार फिर? नहीं नहीं वही वाला, हाँ फिर भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, फिटिंग में है। अब ना वो पहले वाली हालत में जाऊंगा, हाँ असली वाली हालत। और अपना ये आ चुके हैं मेरे ख्याल में पहली बार हैं, इनसे इनका तारुफ भी करवाएं बहन भाइयों से, ये कौन है, किधर से आया है, क्या करता है? जो हमारा गार्ड साहब है, ये तो बड़ी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। नसीम मलिक, उनका ये बड़ा बड़ा बेटा है, मतलब के जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं मामू जान, उनका बेटा है। क्यों बोल रही हैं? वो तो बलोच है। देख अब बहन भाई कहेंगे कि अपने रिश्तेदार का ही पता नहीं पूरा नाम था, मलिक कहते हैं या खान कहते हैं, क्यों नहीं है पता? तो अभी क्यों कहा है मलिक? वो ना पहले ना ऐसे प्यार से बुलाते थे कि मलिक मलिक, हाँ नसीम मलिक नसीम मलिक, फिर बाद में पता चला यार मलकू की तोका हूँ मैं। मेहरान ये किसने तोड़ा? ये जिसने भी तोड़ा है उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो ये जी जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं मामू जान नसीम खान, उनका बड़ा बेटा है जी काशिफ खान बलोच। तो अगर मेरे रिश्ता जो है इसके कज़न का है, मुलेर का है रिश्ता है, तो इनका जो है फिर अलग से रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि ये फिर ना नसीम की कज़न है, फिर उसकी वजह से ये औरत जो है ये उसकी क्या लगती है पुप्पो। ऐसे जी चले अजान, और अजान के बाद मिलते हैं। प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर जो है हमारे मामू जान एज सिक्योरिटी गार्ड जो हमसे काम करते हैं, हम पे छुट्टी पे गए थे घर, इनकी बेगम थी बीमार, तो इनसे पता करते हैं कि आपकी बेगम की क्या कंडीशन है, तबीयत के बारे में बताएंगे और मिलते भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामू क्या हाल चाल है, ठीक हैं? तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, राजी हैं। हाँ मामू जी, जैसा कि मैं बता रहा था बहन भाइयों को, आपकी बेगम की हमारी मामी की क्या तबीयत है, कैसी है, बेहतर है? दवाई ली है उसकी। हाँ जी, हमारा मकामी शहर जतोई है, जतोई से दवाई ली है अच्छे डॉक्टर से, दो बार यानी हफ्ते की, अब लेके आया हूँ हफ्ते की, पहले से बेहतर की तबीयत। चलो माशाल्लाह जी, तमाम बहन भाइयों ने जो है इनकी वाइफ के लिए जो कि हमारी मामी जान है उनके लिए दुआ करने, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, कामला आजरा नसीब फरमाए। और उसकी जो माँ है हमारी नानी जान, उनका भी तबीयत के बारे में पूछना था, उनकी आप कैसी तबीयत है? हम सुन रहे थे काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। दूसरा मेरी बहन है शरीफ अहमद घर वाली, हाँ जी, सबसे ज़्यादा खराब है। हालांकि वो 2-3 चक्कर लगा के आई है मुल्तान का। अच्छा, अल्लाह पाक करम फरमाए, एक बार जो है पहले भी हो चुकी है इस तरह की, तो बाकी में मुल्तान ले गए थे उस टाइम भी, बे ठीक हो गई, आस्ते आस्ते रिकवर हो गई, लेकिन अब दोबारा ना मेरे ये मसला मेरे घर में जाग गया है। चलो अल्लाह खैर फरमाए, ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं जी, शुक्रिया।
अभी जो है पहुंच चुके हैं जी व्हाइट हाउस में, और यहाँ पे हमें रास्ते में बल्कि गेट में ही मिल गई हैं साहिबा भाभी, आपका इंतजार कर रही हैं। चार बहन भाइयों, इन दोनों को आप देखें, ये सगी बहने हैं, किस तरह आपस में शक्ल इनकी मिलती है या नहीं मिलती है ये आपने बताना है, ठीक है। और सवाल भी आए हुए थे कि साहिबा और समीना जो है आपस में बहने हैं, रियल बहने हैं, तो बिल्कुल जी उसी का जवाब ये है कि रियल में ये बहने हैं, ये बड़ी है और ये बहुत छोटी है, छोटी है, ठीक है जी। ये अम्मी की बेटी है, मैं अब्बू की बेटी और मतलब के आपका भाई जो है ना पहला हो गया गुलामबाज, उसके बाद हो गई समीना, उसके बाद हो गई अमीना, अमीना के बाद अल्ताफ, अल्ताफ के बाद ये छोटी 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 है। अल्ताफ आपने बड़ा है छोटा है? बड़ा है, सबसे छोटी है। उसके बाद आपको, आपके बाद आपका कोई भाई बहन नहीं? ये पेट बंद करके आई, पेट गरोड़ी यही है, ये पेट गरोड़ी जो आखिर होता है वो पेट गरोड़ी, पेट गरोड़ी। तो ये लास्ट में जो है ना कदम रखा दुनिया में, और अभी तक भी रखा हुआ है, और पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हुए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह क्या जोड़ी लग दी खड़ी है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बाद से बचाए। और इधर से शू शू की आवाज आ रही है, आपका भाई इधर बैठा है, अच्छा शेव कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह शेव हो रही है जी असलम खान ने, टाइम भी नहीं होता ना, हाँ है आपको, हाँ जी टाइम बड़ा मुश्किल से निकलता है, काम निकलता है, हमें पता होता है अल्लाह खैर फरमाए। आज क्या आप क्या पका रहे हैं अपने लंगर खाने में, आप क्या पका रहे हैं अपने लंगर खाने में ये तो बताएं, पहले बड़ी हैं आप बता, काम निकाल के बता दे तू, कोई जंक्शन वाली बात नहीं है, मेरे लंगर में पक रहा है मटर और गोभी, गोभी मटर, आपने सुन लिया, अब आप बताएं, मेरा अभी डोल मडोल जा रहा है, डोल मडोल नंबरदार को उसने क्या किया, एक पाव गाजर ले ली, एक पाव, एक किलो आलू ले लिए और आधा किलो मटर ले लिए, अब खड़ी हूँ परेशान में, सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, अभी फिर बुलाया है नंबरदार को, क्या है फिर मुझे गाजरें और ला कर दो, तो मैं गाजरे मटर आज बनाऊंगी, नहीं मिली तो फिर आलू गाजरे अच्छा है। बुलाया है अभी तक आया नहीं। अक्रम जो है ना पाँच पाँच चीज की वो अच्छी बन जाती हैं, एक सब्जी बनाते हैं आजकल मौसम, तो इसका क्या मतलब है कि हम डेली ये सारी चीजें इकट्ठी लें, डेली भी थोड़ी करके ना, थोड़ी थोड़ी चीजें, मतलब कि और डेली रूटीन वाला खर्चा हो सब्जी का, तो बाकी हो सब्जी ज्यादा थोड़ी थोड़ी करके खा ले, एक एक पाव ले ले, जबरदस्त हो गया, बाकी जो है दाल वगैरह जो पकाते हैं वो हम चूरी कोट के फिर खाते हैं, वो तो दाल हमने रात भी बना ली थी ना, और मैंने जो है ना अभी मुझे भूख लग रही है, अगर रोटी पड़ी है ना तो मुझे चाय अगर पड़ी है, रोटी पड़ी है तो चाय दे दे, मैं चाय के साथ दबो के रोटी खा, आपका वो जो है ना जबरदस्त हो गया, सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं किया है, टाइम क्या हो गया कल वाला, टाइम हो गया कल वाला, कल वाला नहीं हुआ, पाँच बज गए, पाँच बज गए, पाँच बजकर 13 मिनट हो गए हैं जी, 12 मिनट पीछे है, पीछे पीछे वो जो ना मेल में जो बजता है घंटी, इधर मोबाइल में होता है, मोबाइल में देख लेते हैं, ठीक है ये आपको बता रहा हूँ, मोबाइल में आपको बता रहा हूँ जी, 5:11 हो चुके हैं, पूरा फिक्स टाइम है, और आपकी घड़ी पीछे है ना, तो मेरी एक आधा मिनट जो है ना ये आगे है, एक आधा मिनट आगे है, थोड़ा सा फर्क है मेरा भी ये। चलें जी माशाल्लाह इनका जो है पता चल चुका है, भाई जो है वहाँ पे शेव कर रहा है, और ये जो आई है इनका हाल अहवाल पूछ रहे हैं, और इन्होंने किचन का जो सामान लंगर का है वो उन्होंने बता दिया है, परेशानी भी बता दी है, और साथ ही इन्होंने कहा कि गोभी मटर हमारे पास पक रहे हैं, तो जाओ पकाओ खाओ, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह जी अकरम खान के दरवाजे पे आके मुस्कुरा रही है, दस्तक दे दिया है मैंने, और देखो भाभी की मेहनत रंग ला रही है, माशाल्लाह ये देखें जी लेपा पोला इसको आप, किचन चला गया इधर का, किचन चला गया, किचन खत्म कर दिया उन्होंने, वो नया जो बन गया फिर उन्होंने खत्म कर दिया, ये कैसे उभरी हुई है सही, इसमें क्या है अपना कोई, ये इसमें तूड़ी है, तूड़ी है ना, तूड़ी मिक्स की है, और जो है ना चीकी मिट्टी है, चीकी मिट्टी और तूड़ी मिला के ऐसे, हाँ जी, तो ये जबरदस्त हो चुकी है, यहाँ पे उधर को ज्यादा है, इधर भी जगह छोड़ दी है, सेटिंग सेटिंग में कर देख रहे हैं, आप किधर आए हो, ये एहसान भी आ गया, सब हमारे सब आ गए, सब आ गए, आप भी सारे आ गए, बीबी भी आ गई है, आमना आ जाए जी, आ जाए, देखते हैं कहाँ चले गए हैं,
ये इनके पंछी परिंदे जो हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये ऊपर वाले देखें, आहा ये मुझे बहुत मियां मिठो और कहाँ चले गए, मैं तेरा यार हूँ मिठू मिठू, आई एम योर फ्रेंड फ्रेंड बाबा। अपने अपने आपस में बात तंग ना करें। और ये जो कुर्सी रखी हुई है ना, ये पता नहीं क्या किया है जो भी आता है बैठ जाता है। आप किसी की नहीं है, मैं देखे अभी बैठ गई हूँ ना, हाँ थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, ये मेरी भी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे घर में तो है कोई नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, कोई कोई भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं वो है। अच्छा अच्छा इधर है वो, वो वो ओ बुरके से निकल आया जो अच्छा सिलेंडर अभी गैस भरवा के अच्छा चलें जी, देखें कौन तैयार रेसिपी तैयार कर रहे हैं भाभी। ये जबरदस्त पर्दा है जी माशाल्लाह, मुबारकबाद हो जनाब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अभी भी पूछ रही हो? हाँ जी मैं पहले देख रही थी भाभी की माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम शुक्र अज़ात पाक का एहसान है जी, तरस है खुदा का। आप सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेहत ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमने सुना किचन जो है ना एक आपने ना भन दिया पुराने वाला, तो हमने कहा कि जब नया किचन बन गया तो पुराना भनना ही था, तो आज ये लेपा पोला देख कर ये भी बहुत ज्यादा खुशी हुई हमें। देख ये आज जो है ना मैंने कुछ लिपाई की है, आधा कर लिया है लिपाई, आधा जो है ना रहता है। अच्छा क्योंकि लेट जो है ना मैंने शुरू किया था, फिर आने जाने का गीला पड़ा है, रास्ता मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि कल जो है ना यही होता है, जैसे सड़क बनाते हैं ना एक साइड बना रहे हैं वगैरह भी निकालनी होती है ना। हाँ ये बात है। रेसिपी में क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं टिंडी और आलू, आलू टिंडी आलू। वाह जी वाह, इनके लंगर खाने में तो माशाल्लाह। भाभी जो है ना दो दो तीन तीन सब्जियां जी, अभी बात हुई है इसी व्लॉग में बात हुई है पीछे जी। हमने बोला है वो तो तीन चार सब्जियां इकट्ठा करके पका लेते हैं। हाँ, है करते हैं। हमने गाजर आलू गोभी मटर मटर ये सब कोई मिक्स करके पका लेते, तो बनती भी जबरदस्त होगी, अच्छी बनती है। अभी जो है माशाल्लाह से ये शुरू कर रहे हैं, देखा अभी घी डाला हुआ है, पता नहीं सिलेंडर भी चलाया या नहीं चलाया, नहीं सिलेंडर जल रहा है, जल रहा है। अच्छा चलो जी, घी को तड़का लग रहा है, और बैठे हैं कोई चाय कोई बोतल कोई नाश्ता नहीं खाना कोई। हाँ, यार मेरी सही बात है, अभी तक आपके भाई को नाश्ता नहीं नसीब हुआ, अभी कह रहा है चलो मुझे नाश्ता दो। ये सही बात है, शाम का खाने का टाइम है अभी। मैं अद्दा घन मैं दिमो कल मैं तेरे नाल जुलदिया, मैं तेरे नाल जुलदिया। पता क्या होंगे, ये होता है कि मेरा नाश्ता क्यों मिस हो जाता है, क्योंकि मुझे नाश्ते का दिल नहीं करता, इसलिए क्योंकि मैं जो है ज्यादा चलता नहीं हूँ। ठीक है जी, कल के परसों मैं गया था, कल गलबन कल ही ये करवाया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो कल मेरे मेरा चक्कर लगा है यहाँ से, ओ मेन चौक से फिरते फिर वापसी, फिर फ्लड कॉलोनी की वो क्रॉस कर ली थी, इधर रेलवे ट्रैक पे आ गया, फिर दोबारा जो है ना वापस चला गया। जब मैं हटा हूँ दोबारा पीछे उधर चौक की तरफ, तो मुझे भूख महसूस होने लगी। मैंने कहा हाँ ये होती है, मैंने कहा कि चलने से, मैंने कहा कि ये रेडी जो है ना केलों की ये सारी मैं खा जाऊं, इतना भूख चढ़ गई, ये होता है इसलिए। आज तो पता नहीं है, फिर हम कार पे गए थे शहर गए थे, चलने फिरने से मतलब ये होता है कि वॉक अच्छी चीज होती है। ये वॉक कल मेरी हुई ना, भूख एकदम ज्यादा शोर करता है क्योंकि ये सारा दिन छेड़ते हैं ना। चलें जी माशाल्लाह, इनका लंगर खाना भी है जो ना वो हमने देख के चेक चुक कर लिया, पूछ लिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी टाइम देने के लिए। पर्दे के मुबारकबाद हम दे रहे थे आपको ना पहले ही, तेज हवा थी रात को बारिश थी और हम लेकर आए हैं, तो हमने कहा बच गए, वरना इधर सिलेंडर भी नहीं चलता था, ये मुकम्मल पर्दा लग जाता है। अभी गर्मी में भी जब सूरज सामने आएगा शाम देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब दिल करे एक साइड पे हटा लो, जब दिल करे लगा दो। सही है सही है, जबरदस्त हो गया। और ये वाला जो है ये दोनों बंद करने का भी इरादा बन गया मेरा, इनको खुद बंद करेंगे ईटू से, दो वाले ये है ना ये बंद करने, ये ना यहाँ से हवा की वजह से ना मट्टी सारी अंदर आती है, सारी धूल आना स्टार्ट हो गई है।
चले नहीं माशाल्लाह। मैंने भी सोचा था कि अंदर के जो बर्तन होते हैं ना, जो चीजें रखी होती है वो सारी की सारी गंदी हो गई। दो तीन दिन हवा चलती रही है ना, किचन का हाल नहीं होता था, सारे ये भी बंद कर देंगे। चलो सही है, इसको बंद करते हैं। एक ये बहुत सारा है, ठीक है, पर्दा भी लगा हुआ है, काफी है, ठीक है जी। ओके जी, ओके। अरे बहन भाई, अभी जो हम अकरम खान के घर से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे आ चुके हैं मुंशी साहब। मुंशी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खुश है, अल्लाह तभी असी हर नियत हर पासा ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुंशी साहब, काम को हम फाइनल करने के बाद यहाँ पर माशाल्लाह पहुँच गए हैं। और ये मुंशी साहब का आज माशाल्लाह ड्रेसिंग देखें, इनकी सेटअप देखें, बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। जिंदगी में पहली बार जब आप काम करने के बाद ऐसे सूट बेहतरीन लोकेशन बनाया करें। अच्छा जी, तो हाँ, तो आज जो आपकी लुकेंगे ना, क्या ही बात, जबरदस्त लुकेंगे। और बहन भाई जो है ना, वो भी बताएंगे इसकी लुकिंग कैसी है, ऐसे ना बहन भाई, और जरूर बताना कमेंट में कि आपकी लुकिंग कैसी है। आपकी यार, आपकी मेरी लुकिंग, हाँ जी, कैसी है? लुक जबरदस्त है जी, बहन भाई भी बताएंगे किस तरह की लुक है। जबरदस्त लुक है, बेहतरीन लुक है, माशाल्लाह। आज काम किया था उधर के? नहीं किया था, अब फाइनल हो गए, आगे वापस। हाँ जी, मिस्त्री चले गए? छुट्टी हो गई, हम मिस्त्री भी चले गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, काम तो छुट्टी हुई है ना, ये फिर फॉर्म में आ गए। फॉर्म में नहीं, आप वॉलीबॉल आप भी खेलते हैं कि नहीं? नहीं, वॉलीबॉल मैं नहीं खेलता। नहीं खेल सकते हो? खेल भी नहीं सकता ना आज तक। मैं तो कहता हूँ यार, कितना दिन है वहाँ पे चल रहा है वॉलीबॉल, चलो एक साइड पे आपको खड़ा कर लेंगे, एक साइड पे मुझे खड़ा कर देंगे, चलो हाथ मारते रहेंगे, तो इसके ना वर्दिश हो जाएगी हमारी, मेरी ना ये पेट वेट ना नीचे लूज हो जाएगा, वर्दिश टाइट है। हाँ, वैसे भी इस टाइम के बाद अभी गए हैं सारे, शुरू किया हुआ है, ट्रेन आ रही है, जो हमारी आवाज जो है वो नीचे दब जाएगी, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। वो ट्रेन जा रही है वो। माशाल्लाह जी, अपने घर पहुंच चुके हैं, दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलो बेटा, जल्दी करो, गेट खोलो। अब तीन हो गए हैं, तीन हो गए हैं, मुंशी भी हो गया है। ओ, खोल गया, चलो चलो चलो, खोल गया दरवाजा, एहसान ने खोला, वाह एहसान वाह, वाह जी वाह, आ जाओ मुंशी, एहसान बोले ना, एहसान ने तो हम पे, एहसान को आज देखें जी, एहसान के ना बाल आज काट दिया हमने, जबरदस्त कैसा बना दिया है। भाई बहन बोलते थे इसके ना बाल उतार दो यार, तो हमने आज काट दिया, बहुत गंदा हो गया था, अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, हाँ, मैंने इनके बाल उतार दिए। सही किया जी, सही किया, जबरदस्त। हाँ जी, जो ले जी, जो इन्होंने कहा था गोभी मटर जो है बन रहे हैं, तो अभी ये देखें बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, ये देखें जी, मटर और गोभी यहाँ पे रखी हुई है, खूबसूरत है, फ्राई वगैरह हो चुकी है, और यहाँ पे मसाला जो है ना वो भुना जा रहा है, और लहसुन का पेस्ट भी पड़ा हुआ है, तो इसको जल्दी तैयार करें, रोटी लगाएं, रोटी लगाने के बाद जल्दी हमें खिलाएं, क्योंकि भूख लगी हुई है और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, आपको पता है नाश्ते के बगैर ही आज चल रहा हूँ। ठीक हो गया जी, चाय मुझे थोड़ी सी पिला दो, ठीक है, सवेरा को बोल गए तो वो मुझे चाय पिला दे, तो इससे मेरा हाल सही हो जाएगा, कुछ हाँ तरीज हो जाएगा, फिर जो है ना खाना शाम को खाएंगे, वैसे भी शाम हो रही है, आधा घंटा रह गया है बस, बन जाएगा। ओके हो गया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब दा। ओके जी, अल्लाह, किधर जा रहा हूँ मैं, अल्लाह पे तू बोल रही है, जबरदस्त हो गया जी, ओके डन, बहुत वो मुझे पता है इसकी दे रहे हैं, लेकिन मैं इसकी जो है ना लोग कह रही है, बहुत बड़ी प्यारी है, लोग ठीक है, मुझे आप ये बता रही है, यूज है या यूज में है, ये एस डी, ये मैडम बताएंगे, इनको खास पता चलता है ना, यूज में है लेकिन लगता नहीं है, पता
पक्की बात की, मैंने कहा ना पक्का कर रहा है क्योंकि हमने दुकान से नहीं लिया, सीधी बात करें तो क्या है, दुकान पे गया तो ये कम से कम 8-10 हज़ार रुपए का इतना पर्दा आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ समय लेके ये था डबल, ये एक इतने तक है और एक इतने तक है, लेकिन हमने नाजिया को मैंने कहा इसको ना मशीन के ऊपर आपस में इधर रख के ना सिलाई लगा दो। नहीं नहीं ऐसे दो धुलाई करने जब धुलाई करेगी ना आसान बनेंगे ना, जोड़ो नहीं ऐसे जब हवा आती है फिर ये उड़ जाते हैं साइड टूट नहीं एक ईंट देके रख देनी थी बस। चले माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, किचन जो है ना आपका अब सेटअप में आ गया है, अभी मजीद सेटिंग में आना है, जब ये इसका प्लास्टर वगैरह होगा ना अंदर से प्लास्टर होगा फिर सारी सेटिंग जो है ना वो चलेंगे। ओके ओके जी, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, सलामत रहो, आबाद रहो, और तमाम देखने वाले बन भाई आप भी आबाद रहो, खुश रहो, आमीन। तो यहाँ पे जी अपना व्लॉग फिर एंड ही होता है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पाक बंदा साबन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।